दोस्तों मैं हूं इंताज भांगी। पोको M2 Pro स्मार्टफोन में आप लोगों को बहुत सारे सेंसर्स देखने को मिलता है, कुछ एक्सटर्नल कुछ भी अलग से स्पेशल सेंसर्स नहीं है, सब कुछ कॉमन है जैसे कि दूसरे मोबाइल में होता है। पर इतने सारे सेंसर्स क्यों दी गई है एक के बाद एक मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए, क्योंकि मेहनत करके मैं आप लोगों को मदद करने के लिए ही तो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना। दोस्तों पहले बोल लेते हैं इस मोबाइल में कौन से सेंसर्स दी गई है। दोस्तों इस मोबाइल में आप लोगों को प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर यानी कि एम्बियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कॉम्पास या फिर आप जिसे बोलते हो मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, इतने ही सेंसर्स देखने को मिलता है। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा इस मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्यों दी गए हैं। आप अगर पोको M2 Pro से फ़ोन करोगे, मतलब किसी भी फ़ोन से फ़ोन करोगे, क्योंकि ये कॉमन सेंसर है सब में दिखाई देता है, तो आप फ़ोन जब करोगे फ़ोन कॉल स्टार्ट होने के तुरंत बाद जब कानों के सामने या फिर किसी भी चीज़ के सामने मोबाइल को ले आते हो तो मोबाइल के जो स्क्रीन में लाइट जलते हैं वो तुरंत बंद हो जाता है। उसके लिए सेंसर जो है ऊपर जहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है वहाँ से हल्के से बीम लाइट निकलती है और वो लाइट किसी भी चीज़ से टकरा के अंदर जब जाते हैं तो मोबाइल के सेंसर के थ्रू एक प्रोसेसर में मैसेज जाता है कि किसी सी चीज़ से लाइट टकराई है और फ़ोन जो स्क्रीन है उसे ऑफ हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे फ़ोन जो स्क्रीन में जो भी कुछ होता है वो ऑफ हो जाते हैं, अगर फ़ोन कॉल हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो ऑफ हो जाता है। और इसलिए इस तरह से काम करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इसलिए दी गई है ताकि आप फ़ोन कॉल करते वक्त फ़ोन कॉल कट ना हो जाए। दोस्तों इसके बाद बात करूंगा मोबाइल में लाइट सेंसर या फिर एम्बियंट लाइट सेंसर क्यों दी गई है। अब अपने मोबाइल के ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रख के धूप में जाते हो तो मोबाइल के ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फुल हो जाता है, और डार्क एरिया में आते हो, अंधेरे में आते हो तो जो ब्राइटनेस होता है वो ऑटोमेटिकली कम होकर आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसका नाम लाइट सेंसर या फिर एम्बियंट लाइट सेंसर है, और वो सेंसर के थ्रू ही एक मैसेज जाता है प्रोसेसर में, जैसे कि दूसरे सेंसर में भी होता है एक मैसेज जाता है, और जिसके वजह से मोबाइल के जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है। दोस्तों अब बात करूंगा इस मोबाइल में आप लोगों को एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्यों दी गई है। दोस्तों अब मोबाइल में ऑटो रोटेशन का ऑप्शन जो होता है ऊपर, और वहाँ पे अगर ऑटो रोटेशन का ऑप्शन ऑन रखते हो तो मोबाइल को इस तरह रखते हो तो पोर्ट्रेट मोड में रहता है, और अगर घुमा देते हो तो लैंडस्केप मोड में आ जाता है, स्क्रीन घूम जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल में एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है, जब मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में आ जाता है तो मोबाइल के जो सेंसर है वो समझ जाता है कि मोबाइल एक्सेलरेट हो चुका है और स्क्रीन उसके हिसाब से एक्सेलरेट हो जाता है, और यह काम करने के लिए एक्सेलेरोमीटर सेंसर लगा हुआ होता है। दोस्तों अब बात करूंगा जायरोस्कोप सेंसर्स के बारे में। जायरोस्कोप सेंसर एक्सेलेरोमीटर सेंसर का ही एडवांस वर्जन बोला जा सकता है। मोबाइल जब पूरा घूम जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तो अब एक्सेलेरोमीटर सेंसर को समझ आता है कि मोबाइल एक्सेलरेट हो चुका है, पूरा पूरी घूम चुका है। और जायरोस्कोप सेंसर जो है वो थोड़ा बहुत मूव को भी, मोबाइल का जो थोड़ा बहुत मूव होते हैं उसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत सही से। आप मोबाइल में स्पेशली ओपन कैमरा या फिर किसी भी कैमरा में अगर ओरिएंटेशन का ऑप्शन ऑन रखते हो, मोबाइल थोड़ा बहुत हिलता है तो वहाँ पे एक लाइन होता है, उस लाइन आपको दिखाता है कि मोबाइल कितना हिल चुका है, कितना डिग्री, कितना एंगल हिल चुका है, वो आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देता है। और या फिर आप मोबाइल से गेम खेलते हो तो गेम खेलते वक्त जब कार या फिर मोटरसाइकिल जो भी जिस किसी भी गेम खेलते हो तो गेम खेलते वक्त मोबाइल को जो इस तरह से हिलाते हो तो उस टाइम भी जो सब्जेक्ट जो होता है कार या फिर मोटरसाइकिल वो भी हिलता है, वो जायरोस्कोप सेंसर्स की वजह से होता है। अगर आप ओपन कैमरा में देखोगे तो वहाँ पे मोबाइल जब हिलता है डिग्री लिखाता है कि इतना डिग्री इस तरफ चल गया, इस तरह डिग्री इतना चल गया, तो वो होता है जायरोस्कोप सेंसर्स के लिए। और जायरोस्कोप सेंसर सिर्फ मोबाइल को इस तरह से ही डिटेक्ट नहीं करता है, मोबाइल अगर इस साइड में भी हिलेगा तो भी एकदम एग्जैक्टली बता देगा कि कितना डिग्री आगे पीछे भी हिल रहा है। तो ये जो काम है इसे समझने के लिए मोबाइल में जायरोस्कोप सेंसर होते हैं, और स्मार्टफोन को यूं ही स्मार्ट नहीं बोला जाता है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं ह्यूमन बींग की तरह, तो कुछ भी होता है मोबाइल में उसे सेंस कर लेता है। दोस्तों इस मोबाइल में मैग्नेटोमीटर या फिर कॉम्पास का सेंसर क्यों दिया हुआ है। दोस्तों मैग्नेट मतलब चुंबक, मोबाइल में एक चुंबक जैसा काम करने वाला एक सेंसर लगा हुआ होता है जो कि दुनिया के मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट करता है कि मोबाइल कितना हिल रहा है, वो दुनिया के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बताते हैं, और मोबाइल आपका कितना डिग्री किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ साउथ सब कुछ बताता है, और नॉर्थ में कितना गया, साउथ में कितना गया, वो क्लियरली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है।
और इसके बारे में मुझसे ज़्यादा आई होप आप लोग ज़्यादा जानते हो, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और जिस किसी भी की मोबाइल में जो मैग्नेटोमीटर या फिर कॉम्पास का सेंसर नहीं होता है, तो उसके मोबाइल में किसी भी तरीके का सेंसर डाउनलोड मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या फिर कहीं से, तो वहाँ पर जो कॉम्पास का जो साइन है वो हिलने नहीं हिलता है, वो एग्जैक्टली एक ही जगह पर रहता है। अगर आपके मोबाइल में मैग्नेटोमीटर सेंसर है जैसे कि पोको M2 प्रो में है, तो वहाँ पे मैग्नेटोमीटर का जो अगर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे जहाँ पे कॉम्पास काम करने के लिए, तो आपका मोबाइल में जो कॉम्पास का एप्लीकेशन होगा वो सही से काम करेगा और नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। दोस्तों आप बात करेंगे इस मोबाइल में दी गई दो बायोमेट्रिक सेंसर्स के बारे में। दोस्तों बायोमेट्रिक सेंसर्स मतलब आपकी नोज प्रिंट, ईयर प्रिंट, आई स्कैनर, फिंगर प्रिंट, फेस अनलॉक जो कुछ भी होता है इसे बायोमेट्रिक बोला, बायोमेट्रिक सेंसर्स बोला जाता है। मोबाइल में स्पेशली तीन बायोमेट्रिक सेंसर्स देखने को मिलता है, एक फिंगर प्रिंट सेंसर, एक फेस अनलॉक, एक आई स्कैनर। पोको M2 प्रो में फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, आई स्कैनर नहीं है। तो फिंगरप्रिंट किस तरह से काम करता है, किस लिए दी गई है वो आप लोग तो जानते ही हो, और फेस अनलॉक का भी काम सेम है। लेकिन इस मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है, बहुत ही अच्छे फील होता है जब आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हो, आपको हाथ मूव नहीं करना पड़ता है, इस तरह तो साइड में हाथ पकड़े होते हो मोबाइल में और टच कर देते हो खुल जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है। उसका फेस अनलॉक भी अच्छे से काम करता है। मेरे दोस्त भी पोको M2 प्रो में लिया है, वो फेस अनलॉक यूज़ करता है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। खैर मोबाइल में जितने सारे सेंसर्स दी गए हैं मोबाइल को स्मार्ट बनाने के लिए दी गई हैं, और इस वीडियो देख के आपको कुछ नॉलेज वॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बनाने पे इंस्पायर्ड हो पाऊँ, आप लोगों को हेल्प करने पे इंस्पायर्ड हो पाऊँ, और इस तरीके से वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।